छः सबूत के मोहम्मद कासिम इमाम महदी हैं। सबूत नंबर एक, किताबुल फितन की रिवायत है। कतादा बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने कहा कि इमाम महदी 40 साल की उम्र में ज़ाहिर होंगे और वो बनी इसराइल के लोगों जैसे दिखाई देंगे। और फिर 2014 में जब मोहम्मद कासिम ने अपने ख्वाबों को फैलाने का सिलसिला शुरू किया तो वो 40 साल के थे। सबूत नंबर दो, हदीस में आता है कि महदी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जैसा होगा और उनके अब्बू का नाम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जैसा होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद कासिम का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल करीम है और इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम कासिम भी है। और जहाँ तक उनके अब्बू का नाम है, अब्दुल्ला और अब्दुल करीम दोनों ही अल्लाह के नामों में से एक नाम है, जैसे कि अल्लाह को अल करीम के नाम से भी पुकारा जा सकता है। और इसके अलावा कासिम भी बनू हाशिम और कुरैश फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बात भी कासिम का महदी होने का सबूत है। सबूत नंबर तीन, महदी के हदीसों में आता है कि जब वो मक्का जाएंगे तो उधर लोग उनको पहचान लेंगे और ये बात तभी साबित हो सकती है जब महदी एक मशहूर बंदा होगा, यानी उसने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे लोग उसको पहचान लेंगे। कासिम के सीक्रेट ख्वाबों से हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान की अवाम उनको अपने मुल्क का लीडर बना देती है और जब दुनिया में हालात ख़राब होते हैं तो वो मक्का जाते हैं और उधर के लोग उनको डिमांड करते हैं कि वो उनको अंधेरों से निकाल दें। सबूत नंबर चार, कुछ हदीसों में हमें मिलता है कि मशरक़ से काले निशान या फिर काले झंडे तुलू होंगे। इस हदीस में तत्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि सूरज के लिए इस्तेमाल हुआ करता है। अगर हम इसकी तशबीह करें तो ये कोई काले रंग के उड़ते हुए जंगी जहाज़ होंगे, बिल्कुल वही जंगी जहाज़ जो कासिम को अपने ख्वाबों में दिखाए गए हैं। और इन काले जंगी जहाज़ों से हम बातिल कुव्वतों को शिकस्त देते हैं। सबूत नंबर पाँच, कासिम का पैगाम वही पैगाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, यानी कि शिर्क का खात्मा। अल्लाह हमारी मदद जब तक नहीं करेगा जब तक कि हम शिर्क का खात्मा नहीं शुरू कर देते।